445। तो आज आईफोन डे, आज सिर्फ आईफोन की बात होगी। गौर से देखिए इस शख्स को, ये वही शख्स है जिसने 1,80,000। मस्त लग रहा है लेकिन बहुत टाइट है। वंस अगेन वंस रोज खान इज हियर। सो एफकिंस, मैं बीच से ऐसे जा रहा था तो मुझे ये अंकल दिखे फिशिंग कर रहे हैं, देखते हैं चलिए। और यहाँ पर छोटा सा बच्चा ये भी देखने आया है। जैन तो यहाँ पर देखिए, देखो बिल्ली बैठी है और ये अंकल फिशिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे मछली यहाँ पे अंकल ने पकड़ा है, यहीं पर छोड़ दिए बिल्ली के लिए। ये बिल्ली मछली खा करके मोटी हो गई है। तो अंकल ने यहाँ पर जाल डाला है अंदर, तो देखते हैं कितनी मछली आती है। ये निकला बाहर, क्या बात है। अरे यार तो खा ले निकला, कोई बात नहीं चलो। हवा काफ़ी मीठी मीठी चल रही है यार, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये बीच वहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ एंड होता है। यहाँ पर आराम से सोई हुई है, जा मछली खाना है। किधर भाग रहे हो यार तुम लोग? से हम लोग प्यार करते हो तुम लोग भागते हो। अंकल मेरे को लगा कि मछली बड़ी बड़ी पकड़ेंगे बट पकड़े नहीं, तो फिर कोई बात नहीं चलते हम लोग। ओके आइए, देख रहे हो यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये हरी हरी घास। और यहाँ पे बास्केटबॉल होता है, यहाँ पे आइसक्रीम खा सकते हो आप और यहाँ पर आकर के आप फिशिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो फिशिंग हो रही है, तो जिनको भी फिशिंग करना है आकर के यहाँ पे फिशिंग करो, बड़ा बड़ा मछली पकड़ो। अब आपके मैं भी आपके साथ फिशिंग करेगा। गौर से देखिए इस शख्स को, ये वही शख्स है जिसने 1,80,000 रुपये खर्च करके आईफोन 14 लिया था। कहाँ भाई आईफोन 14? ये रहा आईफोन 14 का बॉक्स। बॉक्स थोड़ी मांगा हो तुमसे, फोन मांगा हो। ओके ये रहा आईफोन 14। सो अभी इस शख्स से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसने 1,80,000 रुपये खर्च करके बिल्कुल ही सही किया या ये पछताता है कि 1,80,000 रुपये इसको कुछ काम में आए थे? तो सही सही बताना ज्वेल, 1,80,000 रुपये खर्च करके तुम खुश हो या तुम्हें पछतावा होता है कि वो पैसा तुम्हारे कुछ काम आ जाता? क्या है तुम्हारी फीलिंग? ये फ़ोन लेकर मैं बहुत खुश हूँ। ओके ये मेरा ड्रीम था, जब ये पहली बार इसका वीडियो देखा था जो आएगा आईफोन 14 आएगा। ओके तो उस टाइम मेरा क्रैश हो गया था, आईफोन 14 मेरा क्रैश हो गया। ओके तभी मेरा वीसा निकल गया, तभी मैं कुवैत आया। ओके। और मेरा जो कंट्री है उस कंट्री से पैसा लेकर मैं 6 महीने नौकरी किया था बांग्लादेश में। मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाता है, ये 6 महीने जॉब किया बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश से है ज्वेल, और जॉब करने के बाद बांग्लादेश से पैसा लेकर गया है कुवैत में आकर के इसने आईफोन 14 लिया। और आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ज्वेल काम क्या करता है कुवैत में, इसके बारे में थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर्स को बताओ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, क्या काम करते हो? अभी मैं छोटा मोटा पेट्रोल पंप है जो उसमें काम करता हूँ। ओके ये आधा पैसा बांग्लादेश से लेकर के आया था और आधा पैसा जो इसने यहाँ पर 4 महीना काम किया है उससे लेकर के मिला करके इसने आईफोन 14 लिया है। इसकी सैलरी कोई बड़ी नहीं है कि ये 250-300 सैलरी वाला है, इसकी सैलरी छोटी है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईफोन 14 के फीचर्स क्या है, उसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, वॉइस क्वालिटी कैसा है, इंटरनल माइक कैसा है आईफोन 14 का। अभी मैं आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये देख लो आप लोग आईफोन 14, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बगल में जो बैटरी का परसेंटेज है ये दिखा रहा है, और ये 13-12 में शायद नहीं दिखा रहा है। तो कलर काफ़ी ज़बरदस्त है यार, और इसका स्क्रीन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। सो ठीक है चलो फिर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कैमरा क्वालिटी है ये आईफोन 14 का है, और अभी ये सिनेमेटिक मोड में है। तो मैं तो चश्मा पहना हूँ, कैसा लग रहा है तुमको, क्वालिटी कैसी आ रही है? फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा नहीं है। तो आप लोग जज करो, बताओ कमेंट में कि आईफोन 14 का कैमरा कैसा है। अभी ये फ्रंट कैमरा है, तो इंटरनल माइक कैसा है वो भी थोड़ा बताओ। अभी काफ़ी हवा चल रहा है तो अभी बैक कैमरा देखते हैं। ओके ओके ये जो है ये बैक कैमरा है, वाइड एंगल से हम शूट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा यहाँ पर फोटो शोटो हम लोग लेंगे, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो @sfkgo इंस्टाग्राम की आईडी है, स्क्रीन पे दिख रही है आईडी, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग थोड़ा फोटो शोटो ले रहे हैं यहाँ पर, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। ओके सर, बना दो थोड़ा हीरो आपको।
ये देखिए आईफोन 14 का क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी जबरदस्त यार। तो ये सब फोटोज अपलोड होंगे इंस्टाग्राम पे, ओके कसम से सुपर लेना पड़ेगा आईफोन 14 कुछ महीनों बाद, अभी नहीं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए, जो अभी नया नया है कुवैत में, ये अभी घुमा नहीं है तो इसे थोड़ा घुमा देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अपने रूम पे। ओके क्या बोलते हो? चलो फिर आप लोग भी एंजॉय करो ब्लॉग को। तो अभी हम लोग आए हुए हैं आईफोन 14 का प्राइस देखने के लिए बेशली उसमें। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स 128 GB 419। तुमने कितने का लिया था? 445। लेकिन तुम्हारा 256 GB है ना, 256 GB, ये 128 GB है। और ये आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB 368 KD। ये तुमको लेना चाहिए था, ये वाला बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये कौन सा? 13 प्रो है, 13 प्रो। ये साइज सही है, ये ले लिए होते। लेकिन तुमको तो आईफोन 14 का क्रश था, क्रश पहली नज़र का प्यार। तो आज आईफोन डे, आप सिर्फ आईफोन की बात होंगी। ये आईफोन 14 का ग्लास 10 KD का, और तुमको फ्री में मिला था, फ्री में ग्लास भी मिला था और बैक कवर मिला था। तो बताओ ओनली यहाँ पे ग्लास 11 KD का। क्या यार, क्या आईफोन वाले इतना लूटते हैं यार। और एक बात, इंडिया से ऑलमोस्ट थोड़ा सस्ता पड़ेगा कुवैत में आईफोन, तो कुवैत में ले रहे तो सही पड़ेगा, लेकिन बैक कवर और ग्लास थोड़ा महंगा पड़ता है। नोट दिस पॉइंट। तो पहली नज़र का प्यार है। कसम से मेरा दिल आ गया आईफोन 14 पे, सीरियसली। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जिसके सर पे जिम्मेदारी रहती है उसको अपने अपने शौक को मारना पड़ता है। कि कुछ ही महीनों में मेरी बहन की शादी है, सर से लेकर पैर तक पूरा जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है, इसीलिए थोड़ा शौक को मारना पड़ रहा है। तो कहाँ घूमेंगे ज्वेल, बोलो? अभी तक कुवैत घूमे होगी नहीं तुम? नहीं, टेंशन ना लो, फिरोज के साथ आ गए हो ना, तुमको पूरा कुवैत घुमा देंगे। आप लोग भी घूमो साथ में, आ जाओ। अभी मैं ज्वेल को घुमाने लाया हूँ चाइना मार्केट में, बोल रहा है बहुत सस्ता सस्ता कपड़ा है, तो देख लो। यहाँ पर 1.5 KD का आपको मिलेगा, 1 KD, 1.5 KD, बहुत सस्ता है इधर ज्वेल। टी शर्ट वगैरह लेना है, 9 दिनार, 1 KD, 1.5 KD। तो ठंडी आ रही है, अभी ठंडी के स्वेटर यहाँ पे मिलने लगे। ये देखो टी शर्ट्स, 1-1 1.5 दिनार के। जबरदस्त यार ज्वेल, तुमको तो सुपर हो रहा है यार, मस्त लग रहा है। यहाँ पे टाइट हो रहा था मेरे को। माय ड्राइव किस ऑलमोस्ट 5:30 हो गया है, हम लोग 3 बजे मिले थे, 2.5 घंटा हम लोगों ने घूमा। तो अब ज्वेल अपने रूम पे जाएगा, मैं अपने रूम पे जाऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ज्वेल मिलके? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। इसकी हिंदी थोड़ी वीक है, इसको धीरे धीरे सिखाऊंगा, और कैमरे के सामने थोड़ा डरता है। ओके फिर मिलते हैं ज्वेल, ओके चलो, अल्लाह हाफिज़, चलो बाय। मेरा बस है 103 अंगारा। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग देखने में मजा आया होगा, अगर मजा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, इट्स अंकित जी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए रस्ता मिलते किसी और ब्लॉग में, बढ़ने के मुताबिक।